सुनो, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए। आप नहा धो के तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। आप मेरे से बोल क्यों नहीं रहे हो? किस बात पे गुस्सा हो आप? ऐसा ना करो तो क्या करूं तेरे साथ। मैंने तुझसे बोला था ना, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, बेटा। बेटी हो या बेटा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे ही ना। बहुत फर्क पड़ता है। बेटा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लड़की का क्या है, वो तो शादी करके चली जाएगी। अच्छा, मैंने चेक करा के बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं चेक ना कराती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम मेरे साथ बहुत प्यार से रहते। अच्छा हो मैंने टाइम पे चेक करा लिया, अब तुम अपने हिसाब से चलूंगा ना। इसमें मेरी क्या गलती है? ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना। इसमें सारी गलती तुम्हारी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान से बेटी की दुआ मत मांगो, पर तूने मानी नहीं ना मेरी एक भी। हमेशा तू अपनी चलाती है। अब तुम इस बात पे मुंह फुला के रखोगे? है तो ना ये हमारे प्यार की निशानी ही। इस पे मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मतलब मुझे इससे, समझ गई ना तू? मेरी बात तो सुन। हाथ छोड़ मेरा, साइड मार। मैंने तुझसे कितनी बार कहा ना, मेरे आसपास मत आया कर। अच्छी लग रही है ना? तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। और मैंने तुम्हें 100 बार समझा रखा है कि मुझे फोटो मत दिखाया करो, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, लड़का। समझ गई तू?
खाना। हाँ क्या बात है? वो गिलास उतार दो, मेरे पे चुका नहीं जा रहा। इस काम के लिए बुलाया था ना मुझे यहाँ पर, है? तो ये पता मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा था? मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरा काम है, उठा कर रख दे इसे, ड्राम मत दिखाएगा मुझे ज्यादा। मैं ऐसी हालत में कैसे झुक सकती हूँ और मैं कैसे उठा सकती हूँ गिलास? किस हालत में? पैर टूट रहे तेरे है, उठा कर इसको। आ गए आप? आज बहुत लेट हो गए ऑफिस से आने में। ऑफिस में कुछ काम था इस वजह से लेट हो गया। अच्छा, वो मैंने आपको दवाई लाने के लिए कहा था, आप लाए? कौन सी दवाई? जब आप ऑफिस जा रहे थे तो मैंने दवाई की स्लिप पकड़ाई थी जाते टाइम। अच्छा वो दवाई तो मैं भूल गया। मैंने आपको एक ही तो काम कहा था, वो भी आपको याद नहीं रहा। अबे तुम एक बात बताओ, तुम पागल हो या अनपढ़ हो? जब मैं तुझसे कह दिया कि मैं भूल गया तो भूल गया? अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत करो, हम लेने चलते हैं। मेरा मन कर रहा है बाहर घूमने का, थोड़ा मैं घूम भी आऊंगी। कमाल है, मैं भी ऑफिस से आया हूँ, मैं रेस्ट भी ना करूँ तुम्हारे साथ दवाई लेने चल दूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो दवाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। दवाई नहीं होगी क्या हो गया? एक दिन नहीं खाएगी मार थोड़ी जाएगी तू। आप क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोला करो, क्या पता कौन सी बात सच हो जाए। ऐसी बात हो जाए तो सच हो जाए, कम से कम मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत शांति तो मिलेगी। स्वाति, 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 क्या
क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? पहले ही बताओ, तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं? ठीक हो ना तुम? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? स्वाति, मैं सो रहा था, मैंने सपना देखा। ये सपना देखा मैंने। अरे बाबा, ये तो सपना था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। स्वाति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा, और मैंने पता नहीं नादानी तुम्हारे साथ क्या क्या करा। स्वाति, मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो। पहले तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? यार तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी, वो भी तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। मैंने ना तुम्हें कल न जाने गुस्से में कितना उल्टा सीधा बोल दिया था, मुझे माफ कर दो स्वाति, मैं तुम्हें कभी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगा और हमेशा प्यार से ही बात करूंगा, प्रॉमिस। और तुम टेंशन मत लेना, मैं इस बच्चे को बहुत प्यार करूंगा, अपने से भी ज्यादा। और तुम सही कह रही थी, जो भी है तो हमारा ही। यार जब तुम मेरे साथ थी तो मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं करी, और आज मुझे पूरा सपना दिखा, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे दूर चली गई, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। ऐसे होता है, जब इंसान उसके सामने होता है तो उसकी कदर नहीं होती, जब वो दूर चला जाता है तो उसका ना होने का एहसास होता है। स्वाति, मैं तुम्हें दिल से सॉरी बोलता हूँ, आज से इस घर का काम तुम नहीं, मैं करूँगा।